चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चाहे हमें हमारे बीएफ टेट के लोगों को समायोजित करना पड़े, हम समायोजित करेंगे। 290 करोड़ रुपए फीस हम लोगों की जमा है और वो आज तक गवर्नमेंट के पास जमा है और गवर्नमेंट उस पर नियुक्ति नहीं कर रही है। यहाँ कोई ब्रह्मा ठाकुर यादव जात नहीं की दिखती है, एक जात बेरोजगार। और ये हमारी 2017 में हमारी भूल थी कि कमल के फूल को हमने वोट दिया। और 11 लाख पद खाली है सरकारी, अभी तक नहीं भरे गए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि चाहे हमें हमारे बीएफ टेट के लोगों को समायोजित करना पड़े, हम समायोजित करेंगे। वही शिक्षा मित्र की भी मदद करेंगे। ये जो 69,000 का घोटाला हुआ है इसको भी ठीक करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को हक और सम्मान मिल जाए। गोरखपुर न्यूज लाइन और चलचित्र अभियान की टीम है आज गोरखपुर जिले के पिपराइज विधानसभा क्षेत्र में एक अखिलेश यादव जी की जनसभा हो रही है। इसका नाम है बास स्थान। और यहाँ पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, शिक्षा मित्र आए हुए हैं और अपनी मांगों के साथ यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है और वो क्या करना चाहते हैं। आप लोग इस सभा में क्यों आए? हम लोग जो है, मेरा नाम देवेंद्र कुमार त्रिपाठी है और हम लोग सभा में अखिलेश भैया से अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं और उनको याद दिलाने आए हैं। हुआ ये कि जब हम लोग का विज्ञापन निकला था 2012 में, सपा जब इन्हीं की सरकार थी तभी विज्ञापन निकला था। वो मामला जो है हाई कोर्ट से होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जब उस समय जो है जितने भी बीजेपी के नेता थे, 17 के पहले चुनाव हुआ था, तो चाहे वो केपी मौर्या हो, चाहे वो आपके जो है दिनेश शर्मा हो, चाहे जो महेंद्र पांडे हो, सब ने आके हमारे बीच बैठ के बोला था मेरी सरकार बनवाइए, हम आपको नौकरी देंगे। लेकिन जब उनकी सरकार बन गई और बाद में जो भी मुख्यमंत्री बना हमसे कोई मतलब नहीं है, जब इनकी सरकार बन गई तो ये हम लोगों को घुमाना शुरू कर दिए। घुमाते एकदम वादा, मतलब कुछ नहीं किया। जब हमने धरना किया इन्हीं के साथ जो सत्ता में आए 2017 में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है इन्हीं के शासनकाल में आया। अगर अखिलेश में आया होता तो मैं मानता चले, इन्हीं के शासनकाल में आया। इन्होंने कहा था सरकार बनेगी हम आपको नौकरी देंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये आदेश दिया कि हम आपको स्वतंत्र करते हैं, इन सारे को आप नौकरी दे सकते हैं क्योंकि ये मेरिट पे हैं, ये सही हैं। इनको नौकरी हम नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आपको दे रहे हैं, आप नौकरी दे सकते हैं। तो योगी जी ने कहा नहीं, ये सपा का दिया हुआ विज्ञापन है, हम इसकी भर्ती नहीं करेंगे। तो कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 1,00,000 लोग जो है। शिक्षा मित्र नहीं हम हैं, हम लोग एमएससी बीएड बीएससी बीएड टेट सारे हैं। फॉर्म भरा हुआ है, फीस जमा हुआ है, कोर्ट का आदेश भी है। अब 290 करोड़ रुपए फीस हम लोगों की जमा है और वो आज तक गवर्नमेंट के पास जमा है और गवर्नमेंट उस पर नियुक्ति नहीं कर रही है। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि उस विज्ञापन को बहाल किया जाए, चूंकि वो एक दिन की काउंसलिंग हो चुकी है, मतलब विज्ञापन रन कर गया है। और हम लोग की मांग है उस विज्ञापन को बहाल किया जाए और उस पर हमें नियुक्ति दी जाए। अखिलेश यादव जी ने हमें वचन पत्र में घोषणा की है कि हमारी सरकार आते ही आप लोग को नियुक्ति दी जाएगी। मैं दिनेश यादव, बीएड टेट 2011 का अभ्यर्थी रहा हूँ। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि ये आर्डर मैं गवर्नमेंट के पॉलिसी में डालता हूँ, गवर्नमेंट चाहे तो इतने लोगों को वो भर सकती है। उनके पास पूरी पर्याप्त सीटें हैं,
ये विज्ञापन आया था 2012 में इनकी गवर्नमेंट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद भी इन्होंने कहा कि हम आपके बारे में विचार कर रहे हैं। हम लोग लखनऊ 1.5 महीने 2 महीने धरना दिए, हमको लाठी से पिटवाया गया, पिटवा करके खदेड़ा गया। योगी सरकार बहुत लोगों के हाथ पैर टूटे, बहुत लोग ऐसे हुए जो 2-4 लोग तक आज तक पता नहीं है को कहाँ है। उनके घर के लोग ढूंढते रह गए, आज 7 साल हो गए लेकिन पता नहीं चला को कहाँ है। उसके बाद धरना दिए हम लोग, इन्होंने कहा कि चलिए हम आपकी बात को सुनते हैं। इन्होंने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया जिसमें उप मुख्यमंत्री भी थे। इन्होंने कहा कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन आज तक इनके पास टाइम नहीं मिला कि उसमें इन्होंने क्या तय किया। कमेटी बनाई थी, कमेटी का रिजल्ट तक नहीं आया। और आज हम लोग 72,825 बेरोजगार जिनकी उम्र कुछ ओवरएज पे हैं, कुछ ओवरएज हो चुके हैं, उनका पूरा परिवार आज बेदहाल है, बिल्कुल भुखमरी से जूझ रहा है। 2019 के चुनाव में भी तो आप लोगों ने मुद्दा उठाया था। 2019 के चुनाव में उठाया था तो उस समय भी इन्होंने टरकाया कि हम आपके बारे में विचार कर रहे हैं। ऐसा है कि माननीय योगी जी ने कमेटी बनाई, जब हम धरना की वहाँ पे लाठियाँ चली तो योगी जी क्या कि घुमाने के लिए कमेटी बना दिए। 5 सदस्यीय कमेटी थी जिसके अध्यक्ष माननीय दिनेश शर्मा जी थे। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक हम लोग खोज रहे हैं, कहीं मिल जाए दिखाई नहीं पड़ा। आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? हम लोग निर्णय लिए हैं, सपा की सरकार बना रहे हैं, जगह बनवाएंगे और हम लोग अपनी मांग पूरा करके अपनी मतलब नियुक्ति पाएंगे। मैं सर बीजेपी का को रोटर हूँ, अपने ग्राम सभा में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष भी हूँ। मेरा ग्राम सभा यहीं से कुछ दूर पूर्व भटहट के बगल में पड़ता है और हमारे पूर्वज बीजेपी के थे, लेकिन बीजेपी ने जो वादा खिलाफी किया हम लोगों के साथ, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अखिलेश के लिए हम तन मन धन हर तरह से, और अखिलेश जी के लिए उनके कंपेनिंग के लिए हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं और जब यहाँ से खाली होते हैं तो गाँव गाँव में घर घर घूम घूम कर उनका प्रचार प्रसार करते हैं। एक बात ये बताइए कि सभी लोग किनारे दिए, लोग ये बोलते हैं कि जो सभी लोग मन से किनारे दिए, जी टेट वाले हों, ये लोग कई सालों से मन से दूरी बनाए सभी लोग, लेकिन जब वोट का समय आता है तो अपनी जात बिरादरी में बढ़ जाते हैं और इसलिए उनकी मांग कोई सरकार। बात सुनिए एक मिनट, रोजगार का रोज बेरोजगार का कोई जाति नहीं होता, सुन लीजिए पहली बात, बेरोजगार का कोई जाति नहीं होता है। और ना ये जो राजनीति लोग करते हैं केवल बेरोजगार को मारने करते हैं, बताइए किसी का विज्ञापन से क्या मतलब है? नियुक्ति जो जो ऑर्डर किया उसे करना चाहिए आपको, बेरोजगार की कोई जाति नहीं होती है। और ये हमारी 2017 में हमारी भूल थी कि कमल के फूल को हमने वोट दिया। इसके पहले हम लोग सोचते थे कि सबसे अच्छी और सच्ची सरकार है बीजेपी की, लेकिन हमने 2017 के बाद देखा इनके नेता केशव प्रसाद मौर्य हमारे धरने में नीचे हमारे घुटनों पे बैठते थे और उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया और उन्होंने बात भी रखी लोकसभा में, लेकिन जैसे ही सत्ता आई महेंद्रनाथ पांडे सारे के सारे नेता पुनः योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मैं उन्हीं के क्षेत्र से हूँ, उन्होंने जब पहली बार पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपने स्कूल में महाराणा प्रताप वहाँ पे जब पहली बार उन्होंने भाषण दिया तब भी उन्होंने आश्वस्त किया पहले ही दिन कि आप लोग आश्वस्त रहिए आप लोगों का समायोजन हम करेंगे, लेकिन बाद में पता नहीं अफसर उन्होंने किसने पढ़ा लिया इन्होंने ऐसे बीजेपी वाले पूरा जो बोलते हैं। अरे बिल्कुल अभिनंदन करने वाले हैं, 17 में लाने वाले हैं और उनके गढ़ के हैं, लेकिन आप खुले मंच पे कहा मैं आपको नौकरी दूंगा, आज नौकरी आज पन्ना ले घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठित किया, ऐसे जिम्मेदार पर्सन है जो आज तक उन्होंने पूछा नहीं कि उस कमेटी का रिपोर्ट क्या आया हमें बताया जाए जिसको मैं सौंप पाऊं। इस कंडीशन में आदमी किसका साथ देगा? इसलिए हम लोगों ने अखिलेश यादव साथ देने का पढ़े लिखे नौजवान सर बड़ा विश्वास था बीजेपी पे उनके अग्रिम नेताओं तक दिल से कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा दिखाया पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेगी हम लोग एक भी नौजवान बीजेपी के साथ नहीं है, पढ़ा लिखा कोई वर्ग नहीं है। कोई जात पात में आप लोग नहीं, मैं खुद ठाकुर हूँ शैलेश सिंह, लेकिन मैं वोट भाजपा को नहीं करूंगा इस बार सपा सरकार को करूंगा अपने नाम पर। जात पात की कोई बात ही नहीं है इस बार, तो दो ही मुद्दा है, कुछ नहीं बेरोजगारी दूसरे महंगाई, मानी एक जात बेरोजगार। ये बताइए यहाँ कोई ठाकुर यादव जात नहीं की दिक्कत होती है, एक जात बेरोजगार नौजवानी की लोहार जी चलती है उधर, और इनको लगता है कि 72,825 की संख्या है, लेकिन इस 72,825 में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके बच्चे पढ़ने लायक ना हो, इनके बच्चे भी वोटर बन चुके हैं। बेरोजगार होते हुए भी हम लोग अपने पैसे से हर बूथ बूथ पर जो है सपा का प्रचार कर रहे हैं। 11 साल हम लोग रोड पे घूमते रहे,
आज 2011 की भर्ती है, 22 आ गया, लमसम 11 साल हम लोग हो गए रोड पर घूमते हुए। दो दो बार टेट क्वालिफाइड हम लोगों ने किया, लेकिन सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनी। और नहीं तो स्कूल बेचने का भी काम कर रहा है, और वो प्राइवेटाइजेशन करेगा तो शिक्षक पद भी खत्म हो जाएगा। इस तरह अपना नाम बता दीजिए। राधे श्याम शर्मा। इस बार हिंदू मुस्लिम जातिगत नहीं है, पूरा पूरा बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होगी। ये लोग भूल जाएं कि इस बार जातिगत हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान तालिबान अमेरिका ऐसा कुछ ही काम है। हिंदू मुस्लिम थोड़े इनका एक नारा आ गया 80-20, बताओ क्या मतलब 80-20 का? इन्होंने सर कुछ नहीं किया, बात को उठाते हैं और अपने वाल से समाजवादी पार्टी के में शामिल किया है, इसलिए हम 101% इनके साथ हैं। हम साथ हैं, मेरा परिवार साथ है, मेरे नाते रिश्तेदार साथ।